जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यारिहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में। मैं आज आपको बता रहा हूँ कुंडली के भाव में ग्रहों का क्या फल होता है। हमारा चैनल है YouTube का ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। अगर आपने उसको सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलें। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया कि प्रथम भाव जिसको हम लगन कहते हैं इसमें ग्रहों का क्या फल है, द्वितीय भाव जिसको हम धन भाव कहते हैं इसमें ग्रहों का क्या फल है, तृतीय भाव जिसको हम सहज भाव कहते हैं यहाँ ग्रहों का क्या फल होता है, चौथा भाव जिसको हम सुख भाव कहते हैं यहाँ ग्रहों का क्या फल होता है, पांचवा भाव जिसको हम शुद्ध भाव कहते हैं यहाँ ग्रहों का क्या परिणाम होता है, जो छठवां भाव है जिसको हम रिपु भाव कहते हैं। रिपु माने दुश्मन का भाव, शत्रु का भाव, ये कर्जे का भाव भी है और ये जो भाव है ये रोग का भाव भी है। ये रोग, कर्जा और शत्रु का भाव इसको हम कहते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें अगर सूर्य बैठेगा तो क्या करेगा, चंद्र क्या करेगा, मंगल क्या करेगा, बुध क्या करेगा, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, अगर ये ग्रह यहाँ बैठते हैं तो ये क्या करेंगे। पहले आपको मैं छोटी सी एक बात बता दूं कि ये जो पापी ग्रह होते हैं, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये सूर्य भी पापी तो नहीं है लेकिन ये क्रूर ग्रह है। ये जो ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये तीसरा भाव, छठा भाव और ग्यारहवां भाव, ये ग्यारहवां भाव होता है। अगर ये तीनों भावों के अंदर छठवां भाव, ग्यारहवां भाव, तीनों भावों में अगर ये ग्रह बैठते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो ये अच्छा परिणाम दिखाते हैं क्योंकि ये ग्रह इन भावों में बैठ के इन भावों को शुभ कर देते हैं, तो इसलिए ये यहाँ परिणाम इसका अच्छा दिखाते हैं। अभी मैं आपको रिपु भाव के बारे में बताता हूँ कि शत्रु भाव में अगर ग्रह बैठेंगे तो क्या करें। पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य छठे भाव में बैठेगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, सरकारी संबंध अच्छे नहीं होंगे, सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, जन्म उसका ऐसे जातक ननिहाल में होने के चांस होते हैं, स्थान बढ़िया होता है, न्यायप्रिय होगा, जीवन शक्ति में इसका बिगाड़ अवश्य रहता है। कुछ विद्वानों का मत इसके विपरीत है, वो ये कहते हैं, दूसरे जो विद्वान हैं, अरे ग्रह गतभानो योग शूलो मतिस्तो निज जन हितकारी ज्ञात वर्ग प्रमोदी कृषि तन ग्रह वेदी चार मूर्ति विलासी भवती चरिपूते जा कर्म पूजो दराड़ गई। छठे भाव में अगर सूर्य होता है तो योगी होगा, सुबुद्धि होगा, अपने परिजनों का पोषक होगा, ज्ञानी हमें श्रेष्ठ होगा, कृषि देह होगा, ग्रह सुख से युक्त होगा, उत्तम रूप होगा, विलासी होगा, शत्रु को जीतने वाला होगा, सत्कर्म से लोक में पूज्य और दृढ़ देह वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कर्जे में नहीं दबता, रोग उसके ऊपर हावी नहीं होते और शत्रु उसके ऊपर हावी नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की कि चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में होगा, छठे भाव में होगा तो चंद्रमा क्या करेगा। षष्ठ भाव में चंद्रमा रिपु ग्रह गशांक क्षीण कायो यदि स्थान न भवति बहुभोगी व्याधि दुस्वप्न दाता यदि गहमत तुंग पूर्ण दे शशांको बहुतर सुखदाता श्या तमान नाम। षष्ठ भाव में अगर क्षीण का चंद्रमा हो, क्षीण का मतलब नीच हो या पाप प्रभाव में हो, या पाप प्रभाव में हो, उसको क्षीण चंद्रमा कहते हैं। क्षीण चंद्रमा हो तो जातक सुख भोगने वाला नहीं होता है किंतु रोग से पीड़ित रहता है। यदि षष्ठ भाव में अपना घर या उच्च का हो या पूर्ण ब्रह्म चंद्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत सुखी होता है। चंद्रमा अगर स्वग्रही हो, उच्च का हो या चंद्रमा अच्छा बैठा हो तो वो जातक को फायदा करता है और अन्यथा जातक को बाकी जो नुकसान देते हैं। अब बात करते हैं मंगल के बारे में कि मंगल जो है वो छठे भाव में क्या करता है। मैंने बताया आपको कि जो पाप ग्रह होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। छठे भाव में मंगल का प्रभाव बताता हूँ आपको।
रिपु गृह गत भूमे षडग्रे मृत्यु भागी सुत धन परिपूर्ण स्तुतंगे सौख्य भागी रिपु गण पर दृष्टे नीच के शोण पुत्र ही भवती विकल मूर्ति कुत स क्रूर कर्मा षष्ठ भाव में अगर मंगल होता है तो लड़ाई में उसकी मृत्यु होती है, उचका हो तो धन पुत्र से युक्त सुखी होता है, यदि नीच राशिस्थ हो या अपने शत्रु से दृष्ट हो तो वह रोग युक्त और निंद कर्म करने वाला होता है। ये प्रभाव है मंगल का कि मंगल अगर छठे भाव में होगा तो मंगल का क्या प्रभाव होता है। अब मंगल का जो प्रभाव है वो दूसरे विद्वान उसके बारे में क्या कहते हैं, साहसी होगा, शत्रु नाशक होगा, सेना में पुलिस में अधिकारी होगा, भाइयों की हानि होती है, तरस तरस कर प्राप्त बच्चा इसको होता है, संतान कम होती है, एक लड़का एक लड़की तो अवश्य होगी, सोने से इसको लाभ नहीं होता, माता का स्वास्थ्य खीण होता है, यदि कुदृष्टि हो तो फसादी झगड़ालू और फरेबी और झूठा होता है। अब बात करते हैं बुध देवता की कि बुध अगर छठे भाव में होगा तो बुध जातक को क्या देता है। मित्रों छठे भाव में बुध होता है तो जातक को हुनरमंद बनाता है, परंतु कमाई में हल्का रहता है, छापा खाना उसका अपना होता है, प्रेस पब्लिशर्स ऐसे कामों में वो पारंगत होता है, दिमागी कारोबार करता है, व्यापारी बनाता है, परिश्रम से स्वयं धनवान बनता है, पहली जो लड़की संतान होती है झगड़े पक्ष में हो उसके जो झगड़े उसके पक्ष में होते हैं, हकीम डॉक्टर वकील बनता है, कुदृष्टि पड़े तो आलसी रोगी लकवा पंगू तंत्र प्रणाली रोग दिमागी उलझन स्वास्थ्य क्षीण बुरे प्रेम संबंध पेट में खराबी और ऐसे जातक को बदहजमी होती है। कुछ और विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं कि षष्ठ भाव में बुध हो तथा बकरी हो तो शत्रुओं से भय होता है, यदि शुभ ग्रह की राशि में हो शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शत्रुओं को जीतने वाला और सुखी होता है, यदि उच्चका हो या स्वग्रह ही बैठा हो तो अपने शत्रुओं पर भारी होता है और इसको ऐसे जातक को रोग नहीं लगते हैं। बात करते हैं गुरु महाराज की कि गुरु महाराज अगर छठे भाव में होंगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे। छठे भाव में अगर गुरु होते हैं तो कृष शरीर पतला शरीर होता है, हाथी घोड़े के द्वारा शत्रुओं को जीतने वाला होता है, यदि गुरु शत्रु ग्रह में हो या बकरी हो तो शत्रु का भय होता है, यदि उच्चका सुग्री हो तो शत्रु जित होता है। कुछ विद्वान इसके बारे में और भी कहते हैं कि छठे भाव में अगर गुरु बैठा होता है तो दिमागी परेशानी देगा, श्वास में कष्ट देगा, शारीरिक शक्ति कमजोर, मीठा बोलने वाला, कुछ करे अथवा न करे स्वयं में भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अय्याश पट्टा होता है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजगार मिलता है, उसको पथरी अथवा उसको मूत्र का विकार जरूर होता है। बात करते हैं शुक्रदेव की कि शुक्रदेव अगर छठे भाव में होंगे तो क्या करेंगे। मित्रों मैं आपको एक बात बताऊं, छठा भाव जो काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि का बनता है और कन्या राशि के भाव में शुक्र हमेशा नीच का बनता है, इसलिए शुक्र का परिणाम आपके सामने है, उसको शुगर की बीमारी होगी, गुप्तांगा रोग होगा, उसके अनैतिक संबंध रखने वाला होगा, पत्नी उसको मनहूस मिलेगी, धन दौलत पशु धन चोरी की घटनाएं उसके घर में होंगी, घर में कलह रहेगी, काम होते जो ही होते चले जाएंगे, राज दरबार मिलेगा और इसको त्वचा का रोग यानी चर्म रोग भी इसको ऐसे जातक को अवश्य ही मिलता है। तो कुछ जो और भी हमारे विद्वान हैं वो इसके बारे में ये कहते हैं शुक्र के बारे में, भवती वे कुशलो अद्भुत पंडितो रिपु ग्रहे भृगुजे स्थगते नर जयति वैर बलम निज तुंगगे भृगुसुते शुभगे किल षष्ठगे। यदि शत्रु की राशि में यास्त होकर शुक्र छठे भाव में हो तो चतुर तथा अद्भुत पंडित होता है, शुक्र यदि अपने उच्च या शुक्रद की राशि में हो तो शत्रुओं को जीतने वाला होता है, यानी इनके मत से षष्ठत शुक्र सर्वदा शुभप्रद होता है, लेकिन मेरे मतानुसार शुक्र या नीच का बनता है और नीच का बनता है तो उसको रोग भी देगा, उसके शत्रु भी होंगे और उसको कर्जे में भी डुबाएगा, ऐसा जातक हमेशा पूरी ज़िंदगी वो कर्जदार ही रहता है। बात करते हैं शनि महाराज की कि शनि महाराज अगर छठे भाव में बैठते हैं तो आपको क्या परिणाम देंगे। शनि महाराज छठे भाव में बैठेंगे तो वो बनाएंगे आपको शत्रुजित परिश्रमी शब्र संतोष वाला अनैतिक आचरण करने वाला, इसके श्वास में कष्ट होगा, दैनिक दिन कार्य में रुकावट आएगी,
पुलिस में होगा, डाक्टर विभाग में नौकरी करेगा, बढ़िया खिलाड़ी होगा, धनी होगा, यात्रा से इसको लाभ होगा। मतलब शनि यहाँ को इसको बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। दूसरे विद्वान जो शनि के बारे में कहते हैं उनका क्या विचार है वो भी आपको बताता हूँ। नीचे रिपोर्भे च कुलखयम च षष्ठे शनिर्गच्छति मानवानाम अन्यंत्रे शत्रून विनिहंत तुड़गी पूर्णात कामार्जनताम ददाति। यदि नीच या शत्रु का शनि षष्ठ भाव में हो तो उस मनुष्य के कुल का नाश करता है। भिन्न स्थान में षष्ठ भाव शनि हो तो शत्रुओं का नाश करता है, उच्च का हो तो मनोरथ को पूर्ण करता है। अगर शनि यहाँ पे स्वराशि बैठा हो या मित्र क्षेत्री हो या उच्च का हो तो जातक के लिए बहुत अच्छा होता है और उसको इतना बढ़िया परिणाम दिखाता है कि वो उसके हर मनोरथ को पूर्ण करता है। बात करते हैं अब राहु की कि राहु जो महाराज है वो यहाँ अगर बैठता है तो ये जातक को क्या फल देगा। षष्ठे स्थिते शत्रु विनाशकारी ददाति पुत्रम च धनान भोगान सुरभानुरुच्चे रखिलानंदथान हनंतयन्योश दगमनम करोति। छठे भाव में राहु शत्रु का नाश करने वाला, पुत्र धन और सुख भोग देने वाला, यदि उचित राहु हो तो सब अनर्थ अनिष्ट का निवारण करने वाला, परिस्थितियों से प्रेम करने वाला होता है। मैं मित्रों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, छठे भाव में अगर राहु कन्या राशि का बेटा हो तो बहुत बलवान होता है। ऐसे जातक के सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता, कोई भी उसके सामने इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। पीठ के पीछे वो उसकी बेशक बुराई करते रहें लेकिन सामने आने पर उसकी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि इसकी दिमागी ताकत बहुत बढ़िया होती है, लोगों के घर पर आम जाने के कारण बुरा रहता है, स्वास्थ्य इसका खीणी रहता है, चमड़ी एवं मस्तिष्क के रोग रहते हैं, पाचन शक्ति बेकार होता है इसका, शत्रुओं पर विजय होती है इसकी और मस्तिष्क की ये जो अपने दिमाग की कमाई खाता है। मतलब ये जो बंदा है जिसके छठे भाव में राहु होता है अपने दिमाग की कमाई खाता है। बात करते हैं केतु महाराज की कि केतु जो है छठे भाव में डरपोक बनाता है, अधीर बनाता है, दुर्घटना कराता है, धनी बनाता है, मुकदमेबाजी कराता है, वकील बनाता है, इसके पैरों में कमजोरी होती है, इसके मूत्र में विकार होता है, इसके जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसा जो केतु है वो यहाँ ये परिणाम दिखाता है। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हर छठे भाव में केतु हो तो मामा के द्वारा उसका अनादर होता है, शत्रुओं का ये नाश करता है, चौपायों से इसको सुख मिलता है, स्वल्प धन मतलब धन कम होता है तथा सदा निरोगी रहता है। कुछ क्या ये विचार है मित्रों। मैंने आपको रिपु भाव के बारे में आज पूर्ण विश्लेषण के बताया कि इसमें अगर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु आदि ग्रह अगर बैठे हैं तो वो आपको क्या फल देंगे। तो मेरा वीडियो आप देखें और मुझे अपनी राय अवश्य दें, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में मुझे बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और इसको शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक आपसे आज्ञा लेता हूं और की अगली जानकारी आपको मैं जया ये जो पत्नी भाव होता है इसको बोलते हैं जया, आपको जया भाव का वीडियो जल्दी ही आपके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।